प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ज्वाला मां की पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है, बल्कि भाजपा ने हमेशा ही जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति की है और वे बदले की भावना से कार्य कर रही है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो करोड़ों रुपए के कार्य चल रहे थे उन्हें भी भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। ज्वालामुखी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ज्वाला मां का विधिवत पूजन किया और ज्वाला मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार का 100 दिनों का कार्यकाल काफी नहीं है, कुछ समय बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि इनका कार्यकाल कैसा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। 100 दिन किसी के काम को आदमी के लिए काफ़ी नहीं है। हम कुछ अर्से के बाद, कुछ समय के बाद देखेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहा है। कांग्रेस में ऐसे ही उनके बयान आज आया हुआ है, आज छपा है, कांग्रेस ने भेदभाव की राजनीति की है कभी, और ये भेदभाव जैसा शब्द उन्होंने हमारे कांग्रेस के शब्द कोश में नहीं है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।